और कह रहे हैं जो दोषी है उनको दंड मिलेगा। कौन दोषी है? सवाल यही उठता है। सब जानते हैं स्टेशन मास्टर के रूम में सिग्नल रहता है, सिस्टम रहता है, एक दो टेक्निकल पर्सन रहते हैं हर स्टेशन में। बस उतनों को पनिशमेंट हो गया, हो गया। उस पर जो बैठा है, उस पर जो बैठा है, और एक के ऊपर जो बैठे हैं जिनका काम है सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम को चलाना, मॉनिटर करना, रिवाइव करना, रिपेयर करना, रिनोवेट करना, इंस्टॉलेशन करना, न्यू चेंज करना, ये सब काम है कि नहीं है? कथा दें ये सब काम नहीं है? कितना साल से वो सिस्टम चलता रहा है कौन देख रहा है? जितना बताए सिग्नलिंग प्रॉब्लम से बता रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल रेलवे के कहते हैं, कई न्यूज़पेपर में कई चीजें लिखा है, इंडियन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के चलते ये हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये हुआ है। क्यों हुआ? ममता बनर्जी जी के समय में कवच, रक्षा कवच का एक सिस्टम को लागू करने का था। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है, लेकिन आपने बजट की प्रावधान के लिए आपने केवल 2,000 के लिए व्यवधान क्या है, प्रावधान क्या है, केवल 2,000 कैसे होगा? और उसमें भी बजट में आपका एलोकेशन केवल 137 करोड़ रुपया है, एकदम नेग्लिजिबल। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में आप इस तरह से करोगे तो 17 साल लग जाएगा। कब देखेंगे रक्षा कवच कब पूरा होगा? उसका भी नाम हटा के रक्षा कवच से खाली कवच किए। नाम हटाना, परिवर्तन करना, ये सब ठीक है, आप अपना मन इच्छा से करते रहो, करते आए हो, लेकिन जनता के जीवन से इस तरह खेलना बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर आप देखिए टेक्निकल बातें हैं। पवन जी आज ट्वीट किए हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो। कौन क्रिमिनल आ गया है, किसको पनिशमेंट करना चाहते हो? सीबीआई इंक्वायरी मतलब आपका ध्यान, अटेंशन देश का, जनता का हटाना चाहते हो कि हमने बड़ी इंक्वायरी बिठा दिया। आपके सामने तो रिपोर्ट आ चुका है, सीएजी का रिपोर्ट पर्याप्त है कि कितने बार इस देश में 2017 से लेकर आज तक कितना एक्सीडेंट हो चुका है। उस पर भी आपका ध्यान नहीं गया है, ना रेल मंत्री का गया है, ना प्रधानमंत्री जी का गया है। आज ओडिशा में बरगढ़ में एक डिरेलमेंट हुआ है, आज बरगढ़ में, अभी ओडिशा के बालेश्वर में हुआ था, आज बरगढ़ में हुआ है। तो रोज रोज की मामला बन गया है। आप ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक रिप्लेसमेंट, तो केवल बजट में कहने में रह गया है लेकिन काम में नहीं आ पाया। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे सवाल उठ चुका है, मैं प्रैक्टिकली एक एक के कोट करना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार खुद रेल विभाग है और सरकार है, केवल स्टेशन मास्टर नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।